हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बंजार मार्केट 58 का एक और लेटेस्ट वीडियो मैं आपके साथ आज लेकर आई हूं। जैसे कि आपको पता है, बंजारा मार्केट शिफ्ट हो गई है, थोड़ा आगे है वहीं पर, बट जो बाहर का एरिया था, जो स्टार्टिंग आप एंटर करते थे जब स्टार्ट से ही शॉप्स वगैरह शुरू हो जाती थी, वो अब स्टार्टिंग शॉप्स नहीं है। काफ़ी एरिया है जो कवर गवर्नमेंट ने हटवा दिया है बंजारा मार्केट का, वो सारी की सारी जो है पीछे शिफ्ट हो गई है। लाइक जैसे पहले की शॉप, पहले जो थी जहाँ से, वो भी नहीं है। सिर्फ जो लास्ट की दो लाइनें हैं वही आपको बंजारा मार्केट में मिलेंगी। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया आपको, ये 58 की बंजारा मार्केट, तो पहुँचने का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। आपको बंजारा मार्केट जाने के लिए मेट्रो स्टेशन है अगर 55 और 56 पर उतरना है, या बाय ऑटो भी आ सकते हैं। और ये ना मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है 58 की घाटा विलेज। लेकिन जो दूसरी वाली है, कनकपुर वाली, जो शिव मंदिर के पीछे, वो थोड़ी दूर पड़ती है, तो उसके लिए आपको एक ऑटो हायर करना होगा। तो इस तरह के कैंडल स्टैंड आपको मिल जाएंगे। उन्होंने एक कोट किया था 1800 का पेयर, आराम से आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो आराम से आप ये 1200 के आसपास का लेके जा सकते हैं सेट। देखिए, मैं आपको आस्किंग प्राइस भी बताऊंगी जो उन्होंने मुझे बताए, और मैं वो भी प्राइस बताऊंगी जो आप ले सकते हैं जिन प्राइजेज में, ठीक है। तो मेटेलिक का सामान, हर एक का सामान प्राइस पूछना इजी नहीं है। टू जो पंख वाला है, जो टू पेटल वाला है, वो आपको 2000 का उन्होंने कोट किया था सेट। आराम से वो आपको 1500 तक का वो दे देंगे। देखिए, शब की शॉप पर मेटेलिक आइटम की शॉप बहुत है मार्केट में, और वुड का भी काफ़ी अच्छा सामान देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही शॉप से सामान लें, आप पहले एक्सप्लोर करें मार्केट में, देन आप कर सकते हैं शॉपिंग। यहाँ आपको लैंप वगैरह या फिर वास हुआ, कॉर्नर वास, वो इस तरह की मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे मिरर वर्क होता है ना जिन पर, इस तरह का आपको क्राफ्ट मिलेगा। ये वाली जो मिरर है, उन्होंने 3000 रुपये के आसपास कोट की थी। जैसे मैंने आपको बोला नेगोशिएबल है, तो जो मेरे को सही लगा उसका मैंने लास्ट प्राइस पूछा, अदरवाइज जो मैंने बताया आपको वो प्राइजेज मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने उनसे पूछे थे। जो ये वास है बड़े वाले, ये उन्होंने अराउंड 1000 के ऊपर ही कोट किए थे। देखिए, ये वाले जो वास हैं, ये आप इजीली घर भी बना सकते हैं, घर नहीं बना सकते तो ये आराम से आपको 400 या 500 तक मिल जाएंगे। बार्गेनिंग करना आपकी स्किल है, आप किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्टली मार्केट है, बिल्कुल कॉस्टली मार्केट है। किसी भी, अगर आप 5000 रुपये का सामान सोच रहे हो कि 500 रुपये में मिल जाए, तो दैट इम्पॉसिबल, वो तो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। तो कलेक्शन जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर कलेक्शन है, वो आपको महंगा ही मिलेगा, ठीक है। ये डॉट वाले टेबल कुछ मार्केट में न्यू हैं, ये आपको एक ही शॉप पर मुझे दिखाई दिए, 2500 का कोट किया था उन्होंने, ये मेटल का है, हैवी है। तो इस तरह की ट्रेस का सेट आपको मिल जाएगा 1000-1500 तक का। पेयर ऑफ 3 भी है इसमें, पेयर ऑफ 2 भी है, और सिंगल पीस लेंगे तो वो आपको 300-400 रुपये तक का मिल जाएगा। जो इस तरह के है, ये उन्होंने 100 रुपीज़ का कोट किया था, वेरी कॉस्टली, 100 रुपीज़ का इसमें कुछ है नहीं। और इस तरह के फ्लावर पोट आपको 250-250 उन्होंने कोट किए थे, 250 के आसपास। जैसे लेंथ इनकी बढ़ेगी, प्राइस उनका बढ़ता चला जाएगा। प्लांटर है, एज ए प्लांटर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नर में बहुत ही डेकोर करेंगे इनको। फ्लावर की मार्केट में 2-3 ही शॉप हैं इसमें, पहले थी वो हटवा दी हैं, तो अभी तो मुझे पूरी मार्केट में 1 या 2 ही शॉप दिखाई दी हैं। इस तरह के आप एक केक वाला ले सकते हैं स्टैंड, ये उन्होंने 600-700 के अराउंड उन्होंने कोट किया था। जो मैंने प्लांटर दिखाए थे वाइट वाला, वो उसमें आपको ऑप्शन ब्लैक में भी मिल जाएगा। और लैंप की कलेक्शन आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी वहाँ पर, जो लैंप की कलेक्शन है, बेड साइड लैंप की हो या टेबल लैंप है, उनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। प्राइस रिजनेबल लगा देंगे वो, ऐसा नहीं है, अगर वो 2500 रुपये का बोलते तो 800-900 रुपये तक का आपको दे देंगे आराम से। मार्बल टेबल आपको मिल जाएगी 1000 तक की, बोलते हैं वो कॉस्टली, 2500-3000 तक की बोलते हैं, बट नेगोशिएशन के बाद वो आपको 1000 रुपीज़ की मिल जाएगी। ये कुछ इस तरह से जूट के लैंप मिल जाएंगे आपको, ये मैक्रम की स्टोरेज बास्केट्स मिल जाएंगी आपको,
सेट ऑफ़ वन भी है और सेट ऑफ़ थ्री भी है, सबके प्राइजेज़ अलग अलग हैं। और इस तरह के जो स्टोरेज बॉक्स टाइप आपको ये कुछ मटेरियल मिलने वाला है कवर के साथ, लेकिन इस तरह के आप बाथरूम में भी रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, अपने बच्चों के रूम में रख सकते हैं। बास्केट्स वगैरह मिल जाएंगे, छोटे छोटे कोस्टर आपको मिल जाएंगे। प्राइस इनके वही बोलते तो ये 50-60 रुपीज़ का सेट है ये कोस्टर वाला है जो। और वुड के सामान की अगर मैं बात करूँ, इस तरह के आपको वुड का सामान मिल जाएगा इस वाली शॉप का। देखिए शॉप नंबर कुछ के ऊपर मेंशन नहीं थे तो मैं इसलिए आपको शॉप नंबर नहीं बता सकती। कुछ शॉप्स के ऊपर, जैसे कुछ शॉप अभी शिफ्ट की हैं तो उनको नंबर मतलब कि जो पुराने हैं वो उन्होंने नहीं लगाए हुए, तो अदरवाइज़ मुझे जो मुझे शॉप के नंबर दिखाई दिए मैं आपको वो मेंशन कर दे रही हूँ। तो वुड का इस तरह का सामान आपको मिल जाएगा। मैंने पहले भी इनके प्राइस आपको बताए हुए हैं, इनके ज़्यादातर प्राइस 2,500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, मिरर के हो या फिर टेबल वगैरह के हो। जो सिंगल टेबल है, बेड साइड टेबल है, जो 1,500 तक की वो आपको दे देंगे, लास्ट 1,200। और ये वाला जो टेबल सेट है ये आप 5,000-6,000 रुपये तक का उन्होंने कोट किया था। और मिरर की बात करूँ तो मिरर भी आपको मिल जाएंगे बहुत सुंदर सुंदर। ट्रे का सेट ये 1,500 रुपये का कोट किया था उन्होंने, जो सेट ऑफ थ्री है ये 1,500 रुपये का कोट किया था। और ये वाले मिरर भी आपको 1,500-1,600 तक के अराउंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो ये वास हैं, पोट आप ही को बोल सकते हैं, मेटेलिक पोट बोलते, वो 2,500 के हैं, बट लास्ट बिल्कुल नेगोशिएशन करके आपको 700-800 रुपये तक का मिल जाएगा। ये टेबल्स वगैरह हैं जो मेटेलिक के, आपको 1,000-1,200 तक के मिल जाएंगे। और जो वॉल हैंगिंग है उनके प्राइजेज आप, क्योंकि डिपेंड करता है, क्यों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के स्टाइल की चीज़ें हैं, वो आपको अलग अलग प्राइजेज में मिलेंगी। तो आई थिंक 1,500 के अराउंड उनके प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं, तो और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं कि जितना आप चाह रहे हैं। तो शॉप नंबर ये C122 है, देखो जो शॉप नंबर थे मैं मेंशन कर दे रही हूँ आपको। और लैंप प्राइस आपको ये 2,500 के अराउंड बोलते हैं, कोशिश करें 1,000 से ऊपर नहीं है ये लैंप, क्योंकि आराम से मैं भी 700 में लेके गई थी, बट ड्यूरिंग सेल लेके गई थी। इस तरह के मुड्डे मिल जाएंगे आपको, ये 2,500 रुपये का उन्होंने कोट किया था। और इस तरह के जूट के बैग मिल जाएंगे आपको, मैक्रम के बैग भी थे, मैक्रम के बैग काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने उनका प्राइस किया था 250 रुपये कोट। देखिए इस तरह के मैक्रम के पर्स थे ये, 250 रुपये उन्होंने कोट किया था, काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये। और डीप हैं, काफ़ी अच्छा सामान आ जाएगा इसमें, जैसे आपको कहीं कैरी करना है अपने सिंगल के लिए तो इसमें काफ़ी अच्छा सामान स्टोरेज है, इसमें डीप है ये काफ़ी। तो 250 रुपये से स्टार्ट है इनके प्राइस, जैसे बड़ा साइज़ लोगे तो 300-350 ऐसे चला जाएगा। और ये इस तरह के ये भी लॉन्ग में है ये, उन्होंने कोट किया था 500 रुपीज़ का, जो बड़े वाला साइज़ है, थैला टाइप होता है ना, जो टोट बैग टाइप वो वाला। इस तरह की बास्केट वगैरह आपको 500 के अराउंड मिल जाएंगी। इनके पास ज़्यादातर जूट और मैक्रम का ऐसा ही सामान था। देखिए लॉन्ड्री आपको बच्चों के रूम के लिए इस तरह की मिल जाएगी 700-800 के आसपास। तो इनकी शॉप पर ज़्यादातर मैक्रम का सामान था, अगर आप लेना चाहते हैं तो शॉप नंबर C120 पर आकर आराम से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मुड्डे आपको मिल जाएंगे, देखिए प्रिंट वाले मुड्डे अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेंगे 1,000 तक, वो आपको दे देंगे। मैक्रम वाले वो थोड़ा कॉस्टली बोलते हैं। ये वाली शॉप जो है, इसका शॉप नंबर मैंने दे दिया है, इसके पास ये एंटर करते ही है मार्केट में शॉप। इनके पास आपको फ्लावर का कलेक्शन मिल जाएगा और ये इनके पास ज़्यादातर फाइबर के स्टैचूज हैं, मतलब होम डेकोर के लिए, बट ये ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करते, मतलब कि ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते, ये एक ही बार में फिक्स रेट बता देते हैं, उसके बाद ये इधर से उधर नहीं होते हैं। तो ये वाली शॉप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा अगर आप यहाँ से, अगर आपको शॉपिंग करनी है, क्योंकि इन्होंने एक सेट प्राइस कर दिया तो कर दिया वो, क्योंकि मेरे सामने ही इतनी नेगोशिएशन हुई बट उन्होंने मना कर दिया था। देखिए जो शॉप पे आपको मिल सकता है, बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप देख लीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल विज़िट करिए शॉप पर। सामान इनके पास काफ़ी अच्छा था, फ्रेम आपको इस तरह के मिल जाएंगे। और स्टैचू के प्राइजेज आपको 200 रुपये से स्टार्ट होते हैं, 100 का भी मिल जाएगा छोटा होगा कोई तो, और 200-5,000 रुपये तक के सेट चले जाते हैं। जो फ्रेम थे 2,500-3,000 रुपये तक के उन्होंने कोट किए थे। ये वाला सेट है जो 700 हॉर्सेज का, ये उन्होंने 1,250-1,250 का कोट किया था।
और वो थोड़ा डैमेज था, वो तब भी इनका पैसा कम नहीं कर रहे थे। 7 हॉर्स वाला जो स्टैचू होते हैं ना, ब्लैक कलर का था, और बुद्धा जी का उन्होंने एक फेस का उन्होंने 700 या 800 कोट किया था, 500 आई थिंक किया था। और देखिए, छोटे छोटे स्टैचू घर में बहुत प्यारे लगते हैं, आप कहीं भी उन्हें रख सकते हैं, बट ये ध्यान से लें, देख के लें, कहीं क्रैक ना हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। बाहर से वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट घर आने के बाद देखा वो टूटा हुआ मिला मुझे। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, हमेशा देख के लें। स्टैचूज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे 1000-1200 तक के, जो कपल स्टैचू थे। और सेट ऑफ 3 का आपको ज़्यादातर मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। ये वाली चीज़ मैंने यूनिक सी देखी अब की बार, शतरंज की जो मोहरे थे वो काफ़ी जगह मुझे देखने के लिए मिले। हॉर्स का वैरायटी हुआ, पीकॉक का वैरायटी हुआ, काफ़ी अच्छे लगते हैं घर में, कॉर्नर में अच्छे लगते हैं, बुक शेल्फ के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये वाला जो स्टैचू मैंने आपको बताया था, वो 1200-1250 का बोला उन्होंने, बट उन्होंने फाइनल रेट यही बोल दिया कि नेगोशिएशन वाला नहीं है ये, जो है फाइनल 1250 के आसपास है, आपको लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ उन्होंने मना कर दिया था देने के लिए। सामान इनके पास काफ़ी यूज था, बहुत ज़्यादा सामान था, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।